ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य कुंडमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निर्भयता, पार्ट वन, अव्यक्तवाणी 20 मार्च 69। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वह कौन सी? हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। 5 विकार और उनके साथ 6ठा है आलस्य और 7वां है भय। यह भय का भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। अव्यक्तवाणी 26 मई 69। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। अव्यक्तवाणी 13 जून 73। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते, सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। अव्यक्तवाणी 23 मई 74। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश, अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उनका स्लोगन क्या है? यह कर लूँगा या वह कर लूँगी। आपघात महापाप की भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना। कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। अव्यक्तवाणी 15 सितंबर 74।
जैसे शुरू शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूँ, इससे स्त्री भान, कमजोर, कायरता आदि सब निकल गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए मैं चतुर्भुज हूँ, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चलाना, चलते फिरते व बात करते यह नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। तो ये दोनों संस्कार और वह दोनों शक्तियाँ मिल गई, जैसे कि ये दोनों कार्य हम कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी 19 अक्टूबर 75। जुआ में हार तो उन्हों की ही है, कल्प पहले ही यादगार में भी जुआ दिखाया है, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया है। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। जुआ में हो उन्हों की हार होनी है और पांडवों का झंडा बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले निर्भय, माया के तूफानों से भी नहीं डरने वाले, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाली इस सेना की इंचार्ज बने, तब और भी फॉलो करेंगे। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 75। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है, वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो, जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुण हो जाते हैं। जो समझ होती है वह भी गुण हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है, जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना, खुद ही आह्वान करते और खुद ही डरते, तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो। यह नशा रखो कि हम है ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब भी वही पार्ट फिर रिपीट कर रहे हो। कितनी ही बार के विजयी हो, जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा, क्या वह डरेंगे। शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। सिर्फ मनुष्य आत्मा से ही नहीं,
बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। यह याद रहने से माया से निर्भय रहेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? अव्यक्त वाणी 23 अप्रैल 77। आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है, जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। अव्यक्त वाणी 11 मई 77। सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वह सदा निर्भय होते हैं। किससे? दुश्मन से। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो यहाँ भी माया कितना भी सामना करे, लेकिन शस्त्रधारी है तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे। तो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं, एक भी कम हुआ तो हार हो सकती है। शस्त्र है शक्तियाँ, तो सर्व शक्तियाँ रूपी शस्त्र सदा कायम रहते हैं, संभालने आते हैं। पांडवों की बहादुरी को बहुत लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है। शक्तियों की बहादुरी शस्त्र दिखाए हैं। पांडव सदा प्रभु के साथी थे और साथ के कारण विजयी हुए। आपको भी सदा बाप के साथ का अनुभव होता है। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ, वह आपकी हैं। जैसे बाप रूहानी है, वैसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे। शरीर को देखते भी रूह को देखेंगे। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 78। महाकाल के बच्चे भी डरे तो और कौन निर्भय होंगे। हर बात में निर्भय बनो, अलबेले और अलस्यपन में निर्भय नहीं बनना, मायाजीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी, सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 78। शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है
अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय हैं ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं, ऐसा है ना पंजाब। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 78। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजय बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्पमत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं। तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 79। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सोओ। अकेले सोएंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी, तो ऐसे सदा साथ की खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 79। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं।
यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। अवैतवाणी 3 फरवरी 1979। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे, तो माया जीत बाप को साथी बनाने से विजयी रत्न हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से माया जीत बन जाएंगे। अवैतवाणी 5 फरवरी 1979। सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूर्त अनुभव हो, यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं, तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 1979। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, माया से भी डरने वाली नहीं। ऐसी निर्भय हो, माया चाहे शेर के रूप में आए अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियाँ उस शेर पर भी सवारी करने वाली। इतनी निर्भय, जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। सदा शस्त्रधारी दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 1983। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसी विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 1984। शक्तियाँ भी निर्भय है ना, शक्तियाँ सदा विजयी सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता, छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गायी हुई है। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 1984। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे
कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश हैं। लेकिन जितने ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 1984। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। उनको कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं। आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता, सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो, वह कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 1984। आप सब बच्चे निर्भय हो ना, क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना शुभ कामना है। ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, भयभीत होने वाले नहीं। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ है। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है, छत्र छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ। हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। रियल तो और है, रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए, समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ है। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 1984। सत्यता की शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 1985। नॉलेज जीवन में धारण करना, अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना, तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र है, बंदूक है, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा
वह पावरफुल सरूर होगा तो माया की भी पूरी नॉलेज है। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा। माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वह बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ओम शांति।